खैर मकदम है। नाजरीन, कोरोना वायरस से आज भी पूरी दुनिया तबाहो बर्बाद हो रही है। लाखों लोग जहां इस वायरस से सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, वहीं करोड़ों लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। हुकूमत की जानिब से इस वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की गुजारिश की गई है। नाजरीन, इसी के मद्देनजर ईद उल फितर को मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज नहीं हो पाई थी। हुकूमत की जानिब से कोरोना लॉकडाउन को अब अनलॉक में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन हर दिन ये वायरस काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती वायरस को देखते हुए बकरीद में बड़े बड़े मौलवियों ने ऐलान किया है कि बकरीद की नमाज सभी मुसलमान घर पर ही पढ़े। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ईद उल अजहा की नमाज घर पर कैसे पढ़े और घर पर नमाज पढ़ने की क्या शर्तें हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि हमें मालूम है कि इस बार भी हमें कानूनी तौर पर घर पर ही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और आप सभी से गुजारिश है कि कोरोना की इस वबा से बचने और दूसरों को बचाने के लिए गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर ही नमाज पढ़ें। नाजरीन, आज हम आपको ईद उल अजहा की नमाज और खुतबा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। नाजरीन, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे एक भी फर्द की ईद उल अजहा की नमाज ना छूटे। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के मुताबिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईद उल अजहा की नमाज कहां कहां पर पढ़ी जानी चाहिए। नाजरीन, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर जुमे की नमाज भी अदा नहीं होती, तो इस हिसाब से ईद की नमाज आप पर वाजिब नहीं होगी, क्योंकि यही ईद की नमाज की पहली शर्त है। आपके मोहल्ले में जुमे की नमाज अदा होती है तो आप पर लाजिम है कि आप ईद की नमाज अदा करें, चाहे घर पर ही क्यों ना करना पड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नमाज पढ़ने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। नाजरीन, कोरोना लॉकडाउन की वजह से हमें घर पर ही नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, जिसका ऐलान खुद बड़े मौलवी पहले ही कर चुके हैं। नाजरीन, घर पर नमाज पढ़ने के लिए शर्त यह है कि इमाम को छोड़ नमाज के लिए कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है, यानी घर पर नमाज पढ़ने के लिए इमाम को मिलाकर 4 लोगों का होना जरूरी है। अब अगर किसी के घर में 2 लोग या फिर 3 लोग हैं तो आप घर पर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि घर पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है। नाजरीन, आपको बता दें कि अगर घर पर बकरीद की नमाज हो रही है और खातीन भी ईद की नमाज पढ़ना चाहती हैं, तो वो भी ईद की नमाज पढ़ सकती हैं। उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत है, लेकिन वाजिब नहीं है। नाजरीन, अब हम आपको बता दें कि ईद की नमाज का टाइम सूरज निकलने के बाद 20 मिनट से शुरू हो जाता है। नाजरीन, अब हम आपको नमाज कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे। घर पर नमाज पढ़ने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है। अगर 4 से ज्यादा है तो अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 से कम है तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। दूसरा, इस बात का ख्याल रखें कि जिसको नमाज पढ़ानी आती है वो ही इमाम बने, यानी नमाज पढ़ाए। अब इमाम का फर्ज ये है कि वह सबसे पहले ईद उल अजहा की नियत करे और इमाम के पीछे पढ़ने वाले लोग ये नियत करें कि हम इमाम साहब के पीछे ईद उल अजहा की नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधे और इमाम को देखकर मुक्तदी यानी इमाम के पीछे पढ़ने वाले लोग भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधे। इसके बाद इमाम साहब सना पढ़े और मुक्तदी भी सना पढ़े। इसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर पहली बार हाथ उठाए और हाथ छोड़ दे, और मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहते हुए एक बार हाथ उठाए और छोड़ दे। दूसरी बार भी ऐसा ही करे, यानी इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर नीचे की तरफ छोड़ दे।
इमाम को देखकर मुक्तदी भी ऐसा ही करे। तीसरी बार में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए और हाथ को बांध ले और मुक्तदी भी इमाम की तरह ही करे। हाथ बांधने के बाद इमाम साहब सबसे पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, इसके बाद जो सूरह याद है वो पढ़ेंगे। मुक्तदी हजरात बस खड़े होकर सुनेंगे। नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें हाथ उठाकर कितनी देर तक छोड़ना है। बता दें, एक तस्बीह यानी एक बार सुभानअल्लाह पढ़ने तक हाथ छोड़े रखना है। नाज़रीन, अब इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरह पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, फिर सजदा करेंगे जैसे नमाज पढ़ते वक्त करते हैं, और मुक्तदी हजरात भी ऐसा ही करेंगे। इतना करने के बाद पहली रिकात हो जाएगी। जब दूसरी रिकात पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो इमाम अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद जो सूरह याद होगी इमाम साहब वो पढ़ लेंगे और मुक्तदी हजरात हाथ बांधे खड़े रहेंगे। अब जब कोई भी सूरह पढ़ने के बाद रुकू में नहीं जाएंगे बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे और फिर दूसरी बार भी ऐसा ही करेंगे और तीसरी बार भी ऐसा ही करना है, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर छोड़ दे, फिर चौथी बार हाथ नहीं उठाना है बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर बिना हाथ उठाए रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे यानी सुभान रब्बिल अजीम जैसे नमाज में पढ़ते हैं, उसके बाद सजदे में जाएं यानी अत्तहियातो पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े और इसके बाद दुआ करें। अब दुआ पढ़ने के बाद खुतबा पढ़े। खुतबा पढ़ना सुन्नत है लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो खुतबा नहीं पढ़ेंगे तो भी ईद की नमाज हो जाएगी। जैसे कि मालूम है कि खुतबा पढ़ना सुन्नत है तो इमाम को चाहिए कि वो खुतबा पढ़े। नाज़रीन, पहले खुतबा पढ़ने के लिए तमाम वो लोग जो ईद की नमाज में शामिल थे वो सभी बैठ जाए और इमाम को खड़े होकर खुतबा पढ़ना चाहिए। पहले खुतबा पढ़ने का तरीका ये है कि पहली मर्तबा 9 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है, फिर इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद तकबीर तशरीफ पढ़े। तकबीर पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़े यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। इसके बाद तकबीर तशरीफ पढ़े। तकबीर पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े जो नमाज में पढ़ी जाती है। इसके बाद एक बार फिर तकबीर तशरीक पढ़े। इतना पढ़ने के बाद पहला खुतबा पूरा हो जाएगा। फिर पहला खुतबा पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठ जाए और फिर खड़े होकर दूसरा खुतबा पढ़े। दूसरे खुतबे की शुरुआत करने के लिए पहले 7 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े, फिर कुरान की ये आयत पढ़े। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ناظرین، اس طرح آپ گھر پر ہی بقرعید کی نماز ادا کریں اور خطبہ پڑھیں۔ اس پیشکش میں بس اتنا ہی، اور ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے चैनल नूरानी खबरें में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।